अरे दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले क्लिक लाइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जे बी सी सी और बैंक प्रमोशन संबंध से हम लोग यहाँ बात करें बी ओ एम का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्टिव ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बी का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्टिव ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया गया जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे आपको ठीक है सारे सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा नोट्स हो जाएगा पी में तीन हज़ार से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा बीस मॉक टेस्ट हो जाएगा प्राइस रखा गया दो हज़ार रुपये महीने की वैरिटी ली तीन हज़ार लाइफ लॉन्ग वालेटी के लिए पहले सॉल पाइए वाट इज द टाइम गिवन टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ड्रॉई को कितना टाइम दिया जाता है एक्सेप्टेंस करने के लिए ए ऑप्शन है ट्वेल्व आवर्स बी ऑप्शन है ट्वेंटी फोर आवर्स एट साइट बी सी ऑप्शन है फोर्टीन आवर्स बी ऑप्शन ऑन कमिंग इन टू विजन ठीक है तो सही ऑप्शन क्या आपसे ये पूछा जा रहा है तो सही एक ऑप्शन है यह अड़तालीस घंटे का आपको समय मिलता है ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ड्रॉई को सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू मिस्टर प्रान रिसीव्ड एन ऑर्डर चेक इंडोर्स इन हिज फेवर दिस चेक वाज ओरिजिनली इश्यूड इन फेवर ऑफ मिस्टर राणा हु इंडोर्सड इट इन फेवर ऑफ मिसेस सीतल सी मिसप्लेस्ड दिस चेक एंड मिस्टर सतीश हु फाउंड दिस चेक एंड इंडोर्सड इट इन फेवर ऑफ मिस्टर प्रान बाई फॉर्जिंग मिस्टर रानास सिग्नेचर द होल्डर चेक विल बी अब यहाँ समझते हैं कौन होगा क्या बोलता है कि प्रान जो है रिसीव किया एक ऑर्डर चेक जो कि इंडोर्स करता है उनके फेवर में यहाँ पे चेक जो था ओरिजिनली इशू किया गया था, था मिस्टर राणा के फेवर में जो कि इंडोर्स करता है मिस्टर शीतल के फेवर बाद में जो जिन्होंने मिस्टर राणा ने इंडोर्स किया मिसेज शीतल को मिसेज शीतल ने वो चेक को मिसप्लेस कर दिया ठीक है संजोक की बात है कि मिस्टर सतीश को वो चेक मिल गया और उन्होंने मिस्टर राणा का सिग्नेचर को फोर्ज करके यानी जाली मार के साइन मार के उन्होंने इंडोर्स कर दिया मिस्टर प्राण को तो अब यहाँ होल्डर कौन होगा इस चेक का ए e ऑप्शन है मिसेस शीतल बी ऑप्शन है मिस्टर सतीश सी ऑप्शन है मिस्टर प्राण डी ऑप्शन है मिस्टर राणा बताइए कौन होगा इसका होल्डर चेक का तो सही आंसर हो जाएगा मिसेस शीतल हो जाएगी कौन होगी होल्डर मिसेस शीतल ठीक है आप चेक को इंडोर्स कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ पे इन्होंने फोर्ज किया जाली साइन मारा है इसके लिए यहाँ पे मिस्टर यहाँ पे जो प्राण को नहीं मिलेगा वो चेक क्योंकि मिस्टर सतीश ने जाली साइन मार के मिस्टर प्राण को फेवर किया एंडोर्स करके बाकी आप ये देखेंगे कि जो चेक था ओरिजिनल किसके फेवर में था राणा था राणा ने आगे चल के शीतल को दे दिया तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए लास्ट में किसके पास था शीतल के पास था जो ओरिजिनल पर्सन है ठीक है तो इसलिए मिसर शीतल हो जाएंगी होल्डर द चेक ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री एक कलेक्टिंग बैंक गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन न थर्टी वन ऑफ एन आई एक्ट ओनली इफ बोलता है जो सेक्शन है एन आई एक्ट का वन थर्टी वन एन आई एक्ट काियबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट का जहाँ कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है किस कंडीशन पे ये ऑप्शन है कि कलेक्टिंग बैंक जो जो कलेक्शन होगा इज इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्शन आप कर गुड फेथ में बिना नेग्लिजेंस के आप कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल सही फिर बी ऑप्शन है बैंक कलेक्ट्स ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बैंक कलेक्ट करता है चेक सिर्फ अपने कस्टमर के बिहाफ पर यह बात भी सही है सी ऑप्शन है बैंक कलेक्ट्स ओनली क्रॉस चेक्स बैंक केवल कलेक्ट करेगा क्रॉस चेक्स को ये भी बात सही है तो तीनों ऑप्शन सही है इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल क्वेश्चन नंबर फोर वाट विल द पनिशमेंट ऑफ फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अंडर एन आई एक्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अंडर एन आई एक्ट एन इन एगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्या सजा मिलेगी क्या पनिशमेंट मिलेगा अगर चेक की डिसऑनर कर दी जाती है तो ठीक है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थ्री इयर्स इम्प्रजनमेंट और अमाउंट ऑफ चेक अमाउंट ऑफ चेक जो चेक अमाउंट होगा वो या फिर दो साल का तीन साल का जेल बी ऑप्शन है टेन इयर्स इंप्रजनमेंट और थ्री टाइम्स ऑफ चेक बोलते चेक का तीन गुना अमाउंट या फिर दस साल की सजा सी ऑप्शन है ट्वेल्व ईयर्स ऑफ रिग्रेस इंप्रजनमेंट और फोर टाइम्स ऑफ चेक चेक का चार गुना वैल्यू या फिर बारह साल का रिग्रेस जेल डी ऑप्शन है टू ईयर्स इम्प्रजनमेंट और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक दो साल जेल हो सकता है या फिर दोगुने अमाउंट का चेक का वैल्यू आपको बढ़ना होगा सही ऑप्शन क्या जाए दो साल की जेल हो सकता है फिर दोगुने अमाउंट का चेक का वैल्यू बढ़ना होगा अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो ये सजा है ठीक है डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव मिस्टर विनय आस्क टू मिस्टर निशांत निशित टू पे द अमाउंट टू मिस्टर विवेक ओनली वैन ही कम्प्लीट्स हीज एजुकेशन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोलता है क्या कि मिस्टर विनय जो है बोलते हैं मिस्टर विनय पूछते हैं मिस्टर निश्चित से कि वो पे करेगा अमाउंट मिस्टर विवेक को तभी करना है जब वो कंप्लीट कर लेंगे अपना एजुकेशन किस तरह का है ए ऑप्शन है कंडीशनल बी ऑप्शन डॉसान रिकॉर्ड्स इंडोसमेंट डी ऑप्शन डिस्ट्रिक्टिव इंडोसमेंट डी ऑप्शन है पार्सल इंडोर्समेंट हम इसको क्या बोलेंगे कंडीशनल इंडोसमेंट के यहाँ पे कंडीशन लग रही है आपको पे ओनली पे कब करना है कंडीशन लगा दिया कि जब वो कंप्लीट कर लेगा एजुकेशन जहाँ हो गया कंडिशनल इंडोर्समेंट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स में मिस्टर साकल मिस्टर सकल ड्रॉज ए बिल ऑन मिस्टर नॉबर्ट हु एक्सेप्ट्स इट फॉर पेमेंट एक्चुअली नो सेल और परचेज टेकन प्लेस दिस बिल इज कॉल्ड एज बोलता है कि मिस्टर सकाल ने ड्रॉ किया था बिल मिस्टर नोबर्ट के ऊपर जिन्होंने एक्सेप्ट किया पेमेंट के लिए और एक्चुअली यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेल या परचेज नहीं टेक प्लेस किया तो बिल हम क्या बोलेंगे ए ऑप्शन है क्लीन क्लीन बिल फॉर ऑफ एक्सचेंज हमसे क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे बी ऑप्शन हो गए फॉरन बिल बोलेंगे सी ऑप्शन होगा डॉकूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे डी ऑप्शन होगा एक्मोडेशन बिल बोलेंगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको हम एकमोडेशन बिल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट्स ऑन यूज बिल और प्रोमिसरी नोट्स आर अलाउड एज पर सेक्शन डे ऑफ एनआई

के हिसाब से जो जोबल इंस्ट्रूमेंट है यानी से, हो गया। आइए। लक्ष्मण सच ए चेक विल बी कॉल्ड बोलता है कि ने चेक इशू किया था किया है आपका बारह सात दो हजार बीस को जिसमें डेट मेन्शन किया दस तीन दो हजार बीस का ठीक है चेक इशू के बाद बारह सात दो हज़ार बीस को और जिस पर तारीख डाला हुआ दस दिन दो हज़ार बीस को मिस्टर लक्ष्मण को ये चेक हम क्या बोलेंगे ए ऑप्शन एंटी डेटेड चेक बी ऑप्शन है पोस्ट डेटेड चेक सी ऑप्शन है स्टेल चेक डी ऑप्शन है पॉसिबल डेट ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टेल चेक बोलेंगे स्टेल चेक का मतलब है कोई काम का चेक नहीं है आउट डेटेड चेक हो गया क्योंकि आपका चेक मात्र थ्री मंथ्स के लिए वैलिड होता है तो तीन महीने से ज़्यादा समय हो चुका है इसलिए ये चेक काम का नहीं है बेकार हो गया सी ऑप्शन है स्टेल चेक बोलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन मिस्टर श्याम यहाँ देखिए मिस्टर श्याम प्रेजेंटेड ए चेक साइंड बाय मिस्टर राम द ड्रोवर्स सिग्नेचर इज करेक्ट बट द डेट एंड प्लेस ओवर द चेक इज मिसिंग सच चेक विल बी टर्मड एज बोलता है मिस्टर श्याम ने प्रेजेंट किया है एक चेक जो कि साइन किया मिस्टर राम के, के, के द्वारा जो ड्रोवर का सिग्नेचर सही है बट उस पर डेट और प्लेस जो चेक के ऊपर वो मैंशनड है इस तरह के चेक को हम क्या टर्म करेंगे ऑप्शन है कंप्लीट चेक वी ऑप्शन रॉन्ग चेक सी ऑप्शन है कंडीशनल चेक डी ऑप्शन इन चॉइट चेक जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन चॉइट चेक हम बोलेंगे यानी इनकम्प्लीट चेक है बेसिकली क्योंकि अगर उस पर डेट नहीं डालेंगे तो चेक तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टेन ए चेक वॉज रिटर्न थ्री टाइम्स ड्यू टू टेक्निकल रीजन्स देयर वॉज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एंडोर्समेंट ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नाउ इंडोर्समेंट वॉज ड्यूली प्लेस्ड ऑन ए पेपर अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट सच अरेंजमेंट विद चेक विल बीटेड एज बोलता है कि बैंक यहाँ पे रिटर्न किया है तीन बार चेक को टेक्निकल कारण से यहाँ पे इंडोर्समेंट करने के लिए जो चेक है उसके पीछे कोई जगह नहीं पहुँचा है तो पेपर में चेक को अटैच किया जा रहा है जिसको ड्यूली इंडोर्स किया जाएगा इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है चेक पर से हम क्या बोलते हैं ये ऑप्शन है चेक विथ बैंक से भी ऑप्शन है चेक विथ अलाउंज

क्वेश्चन बैंक हो जाएगा बीस मॉक टेस्ट हो जाएंगे प्राइस रखा गया दो हज़ार रुपये छः महीने की वैलिडी तीन हज़ार रुपया लाइफ लॉन्ग वैलिडी जहाँ जानकारी फोन करके पूछ सकते हैं फोन नंबर हो जाएगा फोर टाइम्स नाइन सिक्स एट फाइव टू सेवन एट वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं डॉट कॉम एम एडियो थ्री एड डॉ जे मेल डॉट कम सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया थैंक यू वेरी मच